बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर वफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हमारी तरफ बाहर का मौसम आ चुका है और अभी हम निकले हैं शहद उतारने के लिए। और इधर का ये सीन ही कुछ इस तरह का है कि ये जगह है जहाँ से हम उतरने लगे हैं इधर, और इधर हर तरफ सब्जा ही सब्जा है अभी। तो उम्मीद है कि शहद जो है बिल्कुल तैयार होगा। हमारा एक दोस्त है, उसने हमें बताया है कि इधर एक शहद का छत्ता है, तो वो भी मैं उतारेंगे, उसकी वीडियो कंप्लीट आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले मतलब ना, ये मौसम बाहर का पहला शायद है जो हम उतारने लगे हैं अपने इलाके से। ऐसे इससे पहले हमने नहीं उतारा शायद अपने इलाके से, क्योंकि है ही नहीं, हमारी तरफ सीज़न नहीं है बिल्कुल ही। और मैं हूँ और मेरे साथ इरफान भाई हैं, ये जा रहे हैं, इनके पास बाल्टी और थोड़ा सा सामान वगैरह सब कुछ है। ये इधर का व्यू है जी, माशाल्लाह। ये खाई है हमारे गाँव के करीब है बिल्कुल ही ना, ऊपर किनारे पर है ये, ऊपर गाँव है हमारा सारा और नीचे ये खाई है। तो इस खाई में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी शहद होते हैं। तो अभी जो है ना, वो हमसे एक मिस्टेक हुई है कि वो काफ़ी पहले का बैठा हुआ था शहद, हमारी नज़र में नहीं है। वो जगह ही इस तरह की है, तो पहले जिधर हम गए थे शहद उतारने, वो उस इलाके की पता नहीं क्या सिस्टम है उधर का, उधर जो शहद है वो बिल्कुल जो है ना सरेआम बैठ जाते हैं, सामने सामने बैठ जाते हैं। लेकिन हमारा जो एरिया है इधर बहुत छुप छुप के बैठते हैं, बहुत ढूंढना पड़ता है। और उस तरफ तो हम बाइक पे ही मतलब ना ढूंढते थे आगे पीछे, इधर हमें पैदल घूमना पड़ता है। और आज रमज़ान शरीफ का माशाल्लाह से 8वां रोज़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। आज मौसम भी काफ़ी ज़बरदस्त हो रखा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज शायद उतार लेते हैं, क्योंकि हवा भी नहीं है। जब हवा होती है तेज़ तो उस मौसम में जो मक्खियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा काटती हैं, काटने का खर्चा ज़्यादा होता है। तो अभी ये जगह करीब ही है जिधर से हमने शहद उतारना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी जगह पे शहद है। दो शहद बैठे हुए हैं, दो शहद बैठे हुए हैं एक साथ हैं, तो अभी हम उनमें से एक उतारेंगे। एक छोटा है अभी नया नया बैठा है मेरे ख्याल से, तो जो पहले का बैठा हुआ है हम पहले से उतारेंगे और उसकी कम्प्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे डर है कि कहीं वो दूसरा भी साथ ना चढ़ जाए, क्योंकि फिर वो काटती हैं। उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह से अच्छे तरीके से उतार लेंगे इसे। तो बाकी मैं आपको उधर पहुंच के बताता हूँ, दिखाता हूँ सारा। ये जगह है वो जहाँ पे शायद है, एक वो बैठा हुआ है ऊपर ये वाला, तो एक और मैं आपको दिखाता हूँ करीब जाके। एक ये बैठा हुआ है,
राम नाल तू नहीं पावे हूं लिया तो लड़सो नी अली ना शायद नहीं निकला बिल्कुल भी कुछ भी नहीं निकला। तो ये भी आप देख सकते हैं ये खा चुकी हैं सही है मतलब अभी सही तरह से शायद फूल नहीं खिले या क्या वजह है। ये वैसे जो होता है ना मोम टाइप जो बनाती हैं ये शायद के लिए बनाती है इसमें शायद होता है लेकिन पता नहीं किस वजह से या वो डर गई थी किसी वजह से बाल्टी खा ली है बिल्कुल। इसमें एक ये मच्छी रह गई तो इसमें से कुछ भी नहीं निकला तो आज की हमारी मेहनत ज़ाया नहीं हुई जो भी है हमारा एक अच्छा वो तजुर्बा रहा जो भी रहा। तो अभी फिर हम एक दो जगह और शायद देखा हुआ है वो उतारेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें से कुछ निकलेगा। इसमें से तो कुछ भी निकला ये था शायद तकरीबन 15 से 20 दिन पहले इसमें बहुत शायद था लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं है तो खा के उड़ चुकी हैं मतलब ना उड़ नहीं चुकी खा के इसको ख़त्म कर चुकी। ये वैसे छली काफ़ी बड़ी थी भरी हुई थी ऐसे लग रहा था कि कभी भरी हुई थी। अब ये देख रहे हैं इसमें कितने मतलब ना गहरे गहरे सुराख हैं ये सारे शायद से भरे हुए थे लेकिन वो अभी खा चुके हैं। तो मौसम भी इन दिनों थोड़ा सा वो ठंड रहती है तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं लगातार धूप छूप नहीं निकली। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ तो अभी फिर निकल मखियारियाँ शायद की लेकिन वो काटे ही नहीं अभी इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं मिलेंगे फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कुछ भी नहीं निकले।